रूम है वह है मेरी सभी से ये अपील है कि शांति कायम रखें और कानून व्यवस्था में बनाने में मदद करें और आपस में कोई टकराव ना करें, आपस में भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करें। नमस्कार साथियों, जो आज नूह मेवात में हो रहा है, मानेसर और गुड़गावा में हो रहा है, जिस प्रकार की हिंसा की खबरें आ रही हैं, जिस प्रकार की आगजनी की खबरें आ रही हैं, लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं, पहली बार हरियाणा के इतिहास में धार्मिक टकराव की घटना हुई है। ये अपने आप में भयावह है। हरियाणा की आत्मा को छलनी करने वाले हृदय विदारक दृश्य देखने को आए हैं और गुड़गांवा जैसी मिलीनियम सिटी उसका रास्ता बंद होने की तथा कथित खबरें और ज्यादा चिंताजनक हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज गुड़गांवा मानेसर के इलाके में हैं और ये देश के उद्योग का पहिया है। इन सब के लिए भाजपा जजपा की सरकार जुम्मेवार है, खुद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जुम्मेवार हैं, जो कानून व्यवस्था पर काबू नहीं कर पा रहे या जानबूझकर कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाजत दी जा रही है। मैं अपील करता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से दोनों पक्षों को कि हिंसा किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं। हिंसा करने वाले तत्वों के खिलाफ वो किसी भी धर्म या जाति से हो कड़ी कार्रवाई हो। खुद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को पूरे मामले का संज्ञान लेकर आगे आकर सभी पक्षों को वार्तालाप के लिए बुलाया जाना चाहिए और जो व्यक्ति हिंसा के अंदर शामिल पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री खट्टर साहब हाथ से हाथ धरे बैठे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जजप्पा की सरकार आई है, भाजपा जजप्पा की संयुक्त सरकार आई है, कभी जाति के आधार पर कभी धर्म के आधार पर एक शांति प्रिय प्रांत हरियाणा, जिसमें कभी जातीय और धार्मिक दंगे नहीं हुए, पहली बार पहले जातीय और अब धार्मिक दंगे हो रहे हैं। अगर सरकार कानून व्यवस्था मेंटेन नहीं कर सकती तो खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे पहली जरूरत है शांति बनाए रखने, सबसे पहली जरूरत है मुख्यमंत्री सभी पक्षों को टेबल पर बुलाएं, वार्तालाप करें और दंगाई तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। ये जरूरी है ना केवल हरियाणा की साख के लिए, परंतु साथ लगता केंद्रीय राजधानी दिल्ली है। अगर यही कानून व्यवस्था मेंटेन नहीं हो कर पाएगी भाजपा जजपा तो कहां कर पाएगी। इसलिए हरियाणा के लोगों और अमन चैन के लिए मैं अपील करता हूं, सब साथियों को शांति बनाए रखें और दंगाइयों का साथ मत दे, दंगाइयों पर कार्रवाई हो और सरकार अपनी जिम्मेवारी और राजधर्म जाने। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।